नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा है, उसके बीच में जो अशोक चक्र है, आखिर उसमें 24 तीलियां ही क्यों हैं? 25 भी तो हो सकती थी, 26 भी तो हो सकती थी। दोस्तों, इसके पीछे एक अच्छा सा रीज़न है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें कि अशोक चक्र में 24 तीलियां ही क्यों हैं, तो अशोक चक्र की 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अशोक चक्र की 24 तीलियां मनुष्य द्वारा बनाए गए 24 धर्म मार्गों को भी प्रदर्शित करती हैं। अब वो 24 गुण, वो धर्म मार्ग कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं एक अगली नई सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? अभी के लिए खैर इतना ही, ठीक है? इसके साथ साथ में अशोक चक्र में बताए गए धर्म मार्गों को अगर कोई देश अपनाता है, तो वो देश जो है वो उन्नति की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये नोटिफिकेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।